प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों को, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा जी और सुमित जैन साहब और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी जी और फकर यूसुफ जई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार। वैसे एक चीज बोली जाती है कि जर्नलिस्ट की एक महफिल बनाई जाए या जर्नलिस्ट की एक कॉपरेशन बनाई जाए तो मेंढक तोड़ने के बराबर होता है। हम चार जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं और मैं बोल रहा था चुप रहो तो कोई चुप नहीं रहता, कोई एक पुदक के उधर और एक पुदक के उधर। वेलकम टू इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। मैं हूँ रोहित शर्मा और हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो है वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बात दो फर्म्स एग्जिट मार रही है ऐसी खबर है। एग्जिट मतलब वो काम वाइंड अप करके जा रही है, काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है, वहीं पे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है उन प्रोजेक्ट्स पे जिन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही थी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब इस समय चाइना से हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान चाइना अफेयर्स पे, साथ में इन्होंने चार किताबें भी लिखी हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। हमारे साथ है फकर यूसुफ जई साहब। फकर यूसुफ जई साहब को कौन नहीं जानता, ये पाकिस्तान में बैठ करके बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, साथ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आईना दिखाते रहते हैं। इन्होंने ही मेरे को बहुत पहले मेरे चैनल पर बोला था कि देखो अगर और हमले हुए तो हो सकता है कि चाइना के सारे प्रोजेक्ट पे काम बंद हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है फकर साहब आपका। और आरजू इनको इनका इंट्रोडक्शन देने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि इनको ये इनके नाम से मैं जानना चाहता हूँ कई बार। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी एक चीज मैं सबसे पहले आरजू जी के पास जाऊंगा। आरजू जी इसी सीपीसी कस्में खाते खाते हम लोग काफी दिन से सुन रहे थे कि सीपीसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीसी तो बंद होता देख रहा है, ये हमले क्या चाइना पुल आउट कर रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि चाइना पुल आउट करेगा, इसलिए कि पिछले इतने 10 साल से जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बार बार रोके जाते हैं। इससे पहले भी 2021 में शायद एक साल के लिए काम बंद हो गया था जब अटैक उस वक्त हुआ था, 11 लोगों की जाने गई थी, तब भी चाइना जो कुछ दिन एक साल के लिए शायद काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है और चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे या होते हैं। मगर बात सारी ये है कि जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है और कई लोग नहीं चाहते, जिसमें कि बलूचिस्तान के लोग भी हैं और भी कई जगह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। इस वजह से चाइना भी मेरे ख्याल है कि अपने आप को चाइना ने रेडी रखा होगा कि इस तरह किस किस्म के अटैक्स होंगे। अभी भी देखिएगा कुछ टाइम के बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ रुकने वाला है। ओके जैन साहब, इतने हमले इतने हमलों के बाद वी आर गोइंग लाइव एट द मोमेंट, हमारे साथ 100 लोग इस समय हमारे साथ लाइव हैं। इतने हमलों के बाद जैन साहब क्या चाइना इंटरेस्टेड होगा कि मेरे लोग मरते रहें, हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाते रहें? रोहित भाई, पहले बात तो दाद देनी पड़ेगी इन चिंगियों को और उसके बाद पाकिस्तानियों को कि वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे, पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकालते रहे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। और चीनियों की देखिए एक बड़ी खासियत होती है, ये बिजनेस माइंडेड है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदमी मर गए, वो इनको बोलेंगे भाई 20-20 बिलियन आप हरेक का दे दीजिए, हम दोबारा से काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पहले भी 4-5 इनके इंजीनियर चाइनीज के मारे गए थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई हमें 20-30 बिलियन डॉलर दे दीजिए हम कर देंगे। ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने भी नेगोशिएट कर दिया कि आप 1 बिलियन दे दीजिए, 1 बिलियन में से हम 20 आपको वापस कर देंगे। तो ये हालत है, ये सारा नेगोशिएशन चलता रहेगा, ये ऐसा ही काम चलेगा। आरजू जी बिल्कुल सही कह रही है, ये काम रुकने वाला नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि चाइना का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर आकर बैठने का रीजन ये क्या हो रहा है पीछे, लेकिन रीजन है चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ। और रीजन ये है कि चाइना यहां पर wants to use पाकिस्तान as a dog whenever required to bite इंडिया, that's all it is। इसलिए ये काम चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं।
राइट 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 बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और, ये डॉग की बात कर रहा था, बड़े खुश होंगे, मैं डॉग की बात कर रहा था, मुझे लगा कि शायद वाकई में कोई डॉग आ गया। फकर भाई, फकर साहब एक चीज, आई एम कमिंग टू यू, ये पूरी सिचुएशन कैसी है? क्या चाइना को बार बार वहां से बोला जाता है, चाइना बार बार पाकिस्तान को बोलता है कि भैया सिचुएशन व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमारे लोग मर रहे हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, ऐसा सिचुएशन क्यों आती है? देखिए सिक्योरिटी की सिचुएशन काफी खराब रही है थ्रू आउट टाइम, जब भी हम देखते हैं सीपैक जब से शुरू हुआ, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं रोहित साहब, तो हालात वाकई में बहुत खराब हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि ये दो प्रोविंस ऐसे हैं जहां पर मैं आपको बता दूं कि सीपैक अगर जितना मतलब इसकी इंपॉर्टेंस गिलगित बल्तिस्तान में है, तो उससे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो प्रोविंसेज है, अगर ये नहीं है और यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब काम चलाना चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जहां तक बात है सिक्योरिटी की, तो हमेशा चीन के कंसर्न यही रहे हैं क्योंकि पैसा तो हम देते नहीं है, बाकी कोई हम कुछ देते नहीं है, उनको पैसा उन्होंने देना है, इंजीनियर उनके अपने, वर्कर्स उनके अपने, हमने जस्ट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज हो रहे हैं कि भाई पैसे भी हम लगा रहे हैं, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, और ये सोना चांदी की बात की सुमित जैन साहब ने, तो हकीकत में गोल्ड माइंस है बलूचिस्तान के अंदर, कॉपर के माइंस है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मतलब हम इतनी नालायक हुआ में कि हम वो उसको निकाल के ना मट्टी समेत उसको चीन में भिजवाते हैं, उसकी रिफाइनरीज वहां पे लगी हुई है, तो सबसे बड़ा इशू है कि हमें इस चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप अभी बात कर रहे हैं ना कि दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम बंद हुआ है, मैं आपको दासू जयमीर बादशाह तुरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन है 1500 मेगावाट का, ये तीनों बंद हो चुकी है, ठीक है, तो अगर इसको आपकी आवाज जो है वो जो हम बचपन में क्रिकेट रेडियो कमेंट्री सुनते थे ना उसकी तरह से आ रही है आप चाइनीज वाला तो बिल्कुल यूज मत कीजिए प्लीज। वैसे ये चाइनीज नहीं है, ये मैं ओरिजिनल मैं सैमसंग का यूज कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे फिर ये किसने बनाया, ये मेड इन पाकिस्तान होगा, नहीं मेड इन पाकिस्तान में सर शुक्र ये चीज नहीं बनती, पाकिस्तान से बेटा बम बना के बैठा हुआ है, और जब से आपने निकाला है तब से ठीक ठीक चल रहा है, अभी इसको बाहर ही रहने दो, ये आवाज नहीं आ रही, अब ठीक है, मतलब ये बिल्कुल 1970s में हम ट्रांजिस्टर लगा के सुनते थे ना कमेंट्री, तो उस तरीके से आवाज आ रही थी, उसका एंगल भी चेंज करना पड़ता था रोहित भाई, उसका एंगल चेंज करना पड़ता था कि वो कनेक्शन जब रिसीव कर रहा था तो चलता था वो कुछ उस तरीके से आ रही थी। लेकिन नहीं, कमिंग बैक टू आरजू जी क्या आपको लग रहा है कि ये चाइना पुल आउट कर सकता है, क्योंकि धमकी तो बहुत दी है, पहले भी धमकी दी है और अब की बार हम प्रोजेक्ट पे काम, अच्छा पहले भी प्रोजेक्ट पे काम बंद हुआ था। एक खबर जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी वो ये थी कि चाइना तकरीबन 1 लाख सिटीजन के लिए चाइना कोशिश कर रहा है कि सबको AK-47 दे दी जाए, जो कि 1 लाख सिटीजन पाकिस्तान में जो है उनको AK-47 दे दी जाए। अब ये खबर एग्जैजरेटेड लग रही है, 1 लाख AK-47 अगर चाइना बांटेगा तो चाइना के पास क्या रह जाएगा, बड़ी महंगा मामला है, लेकिन फिर भी वो भी आर्मी को दे तो मैं मानता हूँ, सिविलियंस को देगा, तो ये एग्जैजरेटेड खबर तो लग रही है, लेकिन क्या इससे पहले हमने देखा है AK-47 के साथ चाइनीज इंजीनियर्स ने काम किया है, क्या या चाइना पुल आउट कर रहे हैं कि कर सकता है, या वो मतलब कुछ उसको भी ऐसा लग गया है कि नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ काम तो नहीं है? जी जी बिल्कुल, ये इस किस्म की चंडू खाने की खबर रोहित शर्मा ही लाते हैं और उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं वो न्यूज लेकर, चंडू खाने के पास ही आते हैं ताकि सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, कोई नहीं मानता कि इस किस्म की न्यूज मुझे रोहित शर्मा देते हैं, सब ये कहते हैं कि मैंने रोहित को बताया तो रोहित ने पहले वीडियो बना दी, नहीं नहीं ये चंडू खाने की खबर बिल्कुल रोहित शर्मा ने दी है, और मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी कि चाइना जो है AK-47 बांट रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा होता तो इस वक्त हम लोग शो ना कर रहे होते, मैं और फकर भी लाइन में लगे होते, एक एक हम भी ले लेते तो फकर भाई से है, हाँ मगर कम है ना इनको, दो तीन और पसंद है तो मैं भी दो तीन AK-47 जो है ना मतलब कम से कम भी अराउंड अबाउट अगर अच्छा वाले AK-47 लेंगे तो राउंड अबाउट उसकी कीमत जो है ना 0.8 से 1 मिलियन रुपए है, तो मैं तो लाजमी पहुंचता कि आरजू जाती या ना जाती, लेकिन मैं लाजमी दो AK-47 फिर मैंने वो खींच के मारनी थी, लेकिन चलानी तो मुझे आती नहीं, तो मैंने जो आता उसके सर में खींच के मारनी थी, उसको जरूरत नहीं यार क्योंकि चाइनीज है, वो चल रही थी फोटोग्राफ्स हैं,
मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जहां चाइनीज इंजीनियर्स एके 47 लिए करते हैं। बात करते हैं रोहित भाई, ऐसे बात नहीं करते वैसे। हां विद प्रूफ, जैसे दाऊद वाले प्रूफ था। हां बॉडी दिखाई। कौन बोला? नहीं 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 नहीं, कौन बोला? चाइनीज लोग जो होते हैं वो इंडिया के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। आई डोंट लाइक देम, यू नो, आई डोंट लाइक दिस। अभी नहीं पता था कि दाऊद के इतने फुफड़ गए वो इंडिया में, देखे आपको इतनी तकलीफ होगी दाऊद के बदले। इसी वजह से ये हिंदी चीनी जो भाई भाई नारा था ना वो फेल हो गया था, इसी वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से, ठीक है ना। तो ये कहानी है। बट स्टिल मेरे पास फोटो है, मैं आप चाहे मैं फोटो दिखा सकता हूँ। फोटो में चाइनीज जो है वो बंदूक लगा करके वो लोग काम कर रहे थे इसी तासू प्रोजेक्ट में। क्या चाइनीज अपनी हिफाजत खुद करे, चाहे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं दे पाएंगे उसे? पाकिस्तानी फोर्सेस आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करें? मतलब वो लोगों के बेडरूम की वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी रिलीज करते जा रहे हैं बेचारों, कभी इमरान खान की, कभी किसकी, क्रिकेट सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, पैंपर बना रहे हैं, आप क्या डायपर डायपर भी बनाते हैं और चेंज भी करते हैं, सॉन्ग्स बना के रिलीज कर रहे हैं। मतलब वो बेचारे इतना काम कर रहे हैं एक ही सैलरी में, एक सैलरी में ये सारे काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो चाइनीज को भी जाके उनको भी संभालें, उनके लिए भी सिक्योरिटी करें, तो हद होती है ना, एक इंसान में कितनी जान होती है। तो हर काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी गवर्नमेंट ला रहे हैं, गवर्नमेंट ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, इमरान खान को अरेस्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को भगा रहे हैं, नवाज शरीफ को भगाते हैं, इमरान खान को ले आते हैं, मतलब क्या कुछ कर रहे हैं। आपकी फौज की तरह तो नहीं है ना कि बस बॉर्डर पे खड़े हैं, बस सिर्फ चाइना से दो दो हाथ कर लिए, पाकिस्तान को कुछ कह दिया और बस उसके बाद अपनी सैलरी ली, रिटायर्ड हुए, घर बैठ गए। हमारे यहाँ रिटायर होने के बाद भी सिविलियन जो इदारे हैं या सिविलियन ऑफिसेज हैं वहां पर लग जाते हैं हमारे हमारे लोग, हमारे जितने रिटायर्ड जी हाँ। आप देखें अब तो अम्बेसडर भी बनने लग गए, अभी भी वो आ रहे हैं, वो क्या है वो नदीम अंजुम साहब, उनका भी मैंने सुना कि अमेरिका में अम्बेसडर बन के जा रहे हैं, कम से कम उन्हें वहां पे कोई हेयर कट वाला अच्छा मिल जाएगा, मुझे उनका हेयर स्टाइल पसंद नहीं, तो वो मेरे ख्याल वहां हो सकता है जाए तो कुछ अच्छा हेयर कट हो जाए। अब मैं ये बता भी किसको रही हूँ, रोहित को, हेयर कट के बारे में? नहीं नहीं ऐसा होता रहता है, फकर भाई से बोलना चाहूंगा, फकर भाई आपके आपके घर में चूहे बहुत हो गए, जरा एक माउस ट्रैप लेके आइए, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि डॉग है वो आया था बीच में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा इन चारों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि जो पाकिस्तान के हालात है, जहां पे पाकिस्तान की डैम्स के ऊपर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। जब भी ये चारों साथ होते हैं तो वीडियो काफी एंटरटेनिंग होती है, क्योंकि ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।